नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत कथा साहित्य व उपन्यास जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है प्यारे विद्यार्थियों, उसमें कहानी संचयन पुस्तक से हम कहानी की विवेचना कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, पाठ 4 आज हम लेकर के उपस्थित हैं। कहानी का नाम है ताई और इसके कहानीकार है प्यारे विद्यार्थियों विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक। ठीक है, कौशिक जी बहुत अच्छे कहानीकार हैं और इस कहानी के जो मुख्य पात्र है उसमें बाबू रामजी दास जो कि धनी आदमी है, कपड़े के व्यापारी हैं, कपड़े के आर्टिस्ट का काम करते हैं और यहाँ पर इस पाठ में इनको ताऊजी जो है, ये ताऊजी है और इनकी आयु लगभग 35 वर्ष है और रामेश्वरी जो कि रामजी दास जी की क्या है पत्नी है और जो इस कहानी में ताई है और मनोहर मुख्य पात्र, तो रामेश्वरी के इर्द गिर्द ही पूरी कहानी है वो चलती है। मनोहर जो है कृष्णदास का पुत्र है और कृष्णदास है वो रामजी दास का छोटा भाई है, यानी रामेश्वरी का देवर है ये कृष्णदास और उसके दो संतानें हैं। कृष्णदास के दो संतानें हैं, एक कन्या है और एक पुत्र है, एक पुत्री है और मनोहर है वो कृष्णदास का पुत्र है और रामेश्वरी और रामजी दास के कोई संतान नहीं है, निसंतान दंपति है ये। इस कारण से रामेश्वरी को ये निसंतानता के कारण जो है बच्चों से चिढ़ होती है और वही इस पाठ में दृष्टिगोचर होता है और अंत में किस प्रकार से उसके भीतर ममता का भाव उमड़ जाता है ये हम कहानी को पढ़ेंगे तब पता चलेगा। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छी कहानी है और इससे पहले हम थोड़ा सा विश्वंभरनाथ शर्मा जी के बारे में और इस कहानी का जो मूल भाव केंद्रीय भाव है उसको हम समझ लेते हैं। बहुत अच्छी कहानी है प्यारे विद्यार्थियों और इसमें रामेश्वरी का चरित्र चित्रण कई बार पूछा जाता है परीक्षा में। विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक जी, प्यारे विद्यार्थियों, इनका जन्म 1891 में हुआ और देहावसान इनका 1945 में हुआ। उर्दू से हिंदी में आने वाले लेखकों में विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक अपने समय के उल्लेखनीय कहानीकार है। प्यारे विद्यार्थियों, उर्दू से यानी पहले ये उर्दू में लिखते थे, उर्दू में इनकी रुचि थी, बाद में ये हिंदी में आ गए तो उर्दू से हिंदी में आने वाले लेखकों में विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक जी का नाम भी उल्लेखनीय है, ये अच्छे कहानीकार हैं। उनकी प्रथम कहानी है रक्षाबंधन। विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक जी की प्रथम कहानी थी रक्षाबंधन जो कि सन 1913 में प्रकाशित हुई थी। प्यारे विद्यार्थियों, 1913 में रक्षाबंधन इनकी कहानी थी। वे प्रेमचंद जी की परंपरा के कहानीकार है, यानी प्रेमचंद जी के समय के कहानीकार है या प्रेमचंद जी के जैसे ही कहानियों को लिखने वाले हैं तथा समाज सुधार को उन्होंने अपनी कहानियों का कथ्य बनाया। समाज सुधार जो है संबंधित जो कहानियाँ इन्होंने लिखी और ये मूल उसका कथ्य या उसका मूल उद्देश्य या विषय बनाया उन्होंने। उनकी कहानियों की शैली अत्यंत सरल है, सरस है और रोचक है। उनकी हास्य व्यंग्यपूर्ण कहानियाँ चांद में, उनकी हास्य व्यंग्यपूर्ण कहानियाँ है चांद में जो पत्रिका है। प्यारे विद्यार्थियों, चांद क्या है? पत्रिका। तो चांद पत्रिका में दुबे जी की चिट्ठी के रूप में प्रकाशित हुई है। चांद पत्रिका है उसमें दुबे जी की चिट्ठी के नाम से इनके हास्य व्यंग्य प्रधान कहानियाँ प्रकाशित होती थी। उन्होंने लगभग 300 कहानियाँ लिखी है। प्यारे विद्यार्थियों, कितनी कहानियाँ हैं? 300 कहानियाँ हैं। रक्षाबंधन, कल्प मंदिर, चित्रशाला ये उनके प्रमुख कहानी संग्रह है। रक्षाबंधन, चित्रशाला और कल्प मंदिर ये इनके प्रमुख कहानी संग्रह है। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें बहुत सारी कहानियाँ, एक एक संग्रह में बहुत सारी कहानियाँ हैं। कौशिक जी की कहानियों में घरेलू जीवन की समस्या और उनके समाधान का सफल प्रयास किया गया। प्यारे विद्यार्थियों, कौशिक जी की जो कहानियाँ हैं उनमें घरेलू जो जीवन है, हमारे घरेलू रोज़मर्रा का जो जीवन है उसकी जो क्या क्या समस्याएं हैं और उनकी समस्या और समाधान का सफल प्रयास है वो इन्होंने किया है। उनकी भाषा सरल है, ओजस्वी है, सरल साफ और ओजस्वी है। उनकी कहानियों के पात्र हमारे जीवन के जीते जागते लोग, यानी अपने आसपास के लोगों को लेकर के ही, आसपास की जीवन रोज़मर्रा के जीवन की घटनाओं को लेकर के वो कहानियाँ लिखते थे। वे स्थितियों का मार्मिक चित्रण करने में बहुत ही सफल हुए हैं, यानी उस समय की जो भी स्थितियाँ थी, यानी वो जीवन की स्थितियों का मार्मिक ढंग से चित्रण करने में बड़े सफल हुए हैं, अच्छे कहानीकार हैं। तो प्यारे विद्यार्थी, ये था इनका जीवन परिचय, थोड़ा व्यक्तित्व है। अब हम देखते हैं ताई कहानी का जो मूल भाव क्या है। ये पृष्ठ संख्या 13 में आपकी पुस्तक कहानी संचयन की पुस्तक में 17 नंबर जो पृष्ठ है
वहाँ पर ये इनका केंद्रीय भाव और विश्वनाथ शर्मा जी कौशिक जी का व्यक्तित्व परिचय ये सब इसमें लिखा हुआ है, तो आप देख लेना। 17 नंबर पृष्ठ है आपकी कहानी संचयन पुस्तक का। ताई कौशिक जी की एक प्रसिद्ध कहानी है प्यारे विद्यार्थियों, तथा इस कहानी की गिनती हिंदी की श्रेष्ठ कहानियों में होती है। ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी की श्रेष्ठ कहानियों में होती है। जैसे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी, उसने कहा था ये हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी है, ऐसे ही इनकी ताई कहानी भी सर्वश्रेष्ठ कहानियों में अपना स्थान रखती है। ये कहानी पारिवारिक संबंधों की विसंगतियों को उजागर करती है। इस कहानी का मूल जो परिप्रेक्ष्य क्या है कि इसमें पारिवारिक जो संबंध है उसमें किस प्रकार से विसंगतियाँ विषमता आ जाती है, उसको यहाँ पर उजागर किया गया है। मानसिक संकीर्णता, मानसिक संकुचित मानसिकता से उत्पन्न जो ईर्ष्या द्वेष बच्चों के स्नेहमय सूत्रों से किस प्रकार से दूर हो जाता है, यानी मानसिक जो संकीर्णता है उससे उसके कारण जो ईर्ष्या और द्वेष की जो भावना आ जाती है वो किस प्रकार से बच्चों का जो स्नेह स्वभाव है, बच्चों के स्नेहील स्वभाव को देख करके वो किस प्रकार से दूर हो जाती है, उसका चित्रण यहाँ पर किया गया है। इस तथ्य को बड़ी कुशलता से इस कहानी में चित्रित किया जाता है किया गया है। रामजी दास की पत्नी रामेश्वरी, प्यारे विद्यार्थियों इसमें अब कहानी का जो मूल परिप्रेक्ष्य क्या, मूल जो कथ्य क्या है, विषय क्या है, उसको देखिए। रामजी दास जी की पत्नी रामेश्वरी निसंतान है, उसके कोई बालक बालिका नहीं है, कोई बच्चे नहीं है, किंतु रामेश्वरी की निकटता उसके देवर के बच्चों से बढ़ती जाती है। रामेश्वरी की निकटता उसके देवर की, कृष्णदास जो देवर हैं उससे, उसके जो बच्चे हैं वे उनसे प्रेम वो करती है। ताई रामेश्वरी के मन की ईर्ष्या को बालक मनोहर का निश्चल प्यार धो देता है। ताई रामेश्वरी, क्योंकि जिसके बच्चा नहीं होता, निसंतान होते हैं, उनमें कई बार ये कुंठा आ जाती है, मानसिक संकीर्णता आ जाती है, वह दूसरे बच्चों को देख करके कुंठित हो जाते हैं, ईर्ष्या द्वेष भावना उनमें आ जाती है। तो यही बात यहाँ पर दृष्टिगोचर होती है या दिखाई गई है इस कहानी में कि ताई रामेश्वरी के मन में जो है ईर्ष्या भावना आ जाती है मनोहर के प्रति। जो मनोहर कृष्णदास का पुत्र है, देवर का पुत्र है, वो तो उसका वो जो मनोहर का निश्चल जो प्रेम है प्यार है वो धो देता उसकी इस ईर्ष्या को। रामेश्वरी का चरित्र एक उदात्त महिला के रूप में पाठक के सामने आता है, समक्ष उपस्थित होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये थी कहानी ताई का जो मूल केंद्रीय भाव था। तो मूल रूप से बात यहाँ पर मानसिक जो संकीर्णता किसके कारण उत्पन्न हुई है, उस रामेश्वरी और रामचीदास की जो निसंतानता है उसके वजह से वह अपने देवर के बच्चे जो मनोहर है उसके प्रति वो ईर्ष्या भावना रखती है। फिर वहीं मनोहर की जो बाल सुलभ चेष्टाएँ या बाल बालक का जो स्नेहील स्वभाव होता है उसके प्रेम में स्नेह में वो सारी संकीर्णता सारे मानसिक द्वेष भावना दूर हो जाती है। ऐसी भावना रामेश्वरी के अंत इस कहानी में के अंत में सब दूर हो जाती है। तो इसी का चित्र इसमें किया गया है। बहुत सुंदर कहानी, अच्छी कहानी है प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छी कहानी है। देखिए पृष्ठ संख्या ये है आपकी पुस्तक में 48 पृष्ठ पर है, ठीक है। ताई विश्वम्भरनाथ शर्मा, अब देखिए कहानी शुरुआत हम करते हैं। ताऊ जी हमें रेलगाड़ी, यानी क्वेश्चन में लिखा रेलगाड़ी ला दो, रेलगाड़ी बच्चा है तोतली आवाज़ में बोल रहा है, तो क्या बोलता है, ताऊ जी हमें रेलगाड़ी यानी रेलगाड़ी ला दोगे, कहता हुआ एक 5 वर्षीय बालक बाबू रामजी दास की ओर दौड़ा। यानी ये मनोहर कितने वर्ष का है, 5 वर्ष का, कि बाबूजी ताऊ जी हमारे लिए रेलगाड़ी ला के दोगे, ये कहता हुआ 5 वर्षीय बालक रामजी दास की ओर दौड़ा। बाबू साहब ने दोनों बाहें फैलाकर कहा हाँ बेटा ला देंगे। उनके इतना कहते ही बालक उनके निकट आ गया और उन्होंने बालक को गोद में उठा लिया। किसने, रामजी दास ने उस बालक को गोद में उठा लिया जो कि रामजी दास के छोटे भाई कृष्णदास का पुत्र है मनोहर। तो और उसका मुख चूमकर बोले क्या करेगा रेलगाड़ी का, ये रामजी दास कहते हैं उस बालक मनोहर से। बालक बोला उच में बैठकर बड़ी दूर जाएंगे, हम भी जाएंगे और चुन्नी को भी ले जाएंगे। चुन्नी उसकी बहन का नाम है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, चुन्नी है वो मनोहर की बहन है,
मनोहर की छोटी बहन, छोटी सी है ये, छोटी बहन है, ठीक है। और चुन्नी को भी ले जाएंगे, बाबूजी को नहीं ले जाएंगे, हमें रेलगाड़ी नहीं ला के देते हैं, ताऊ जी तुम ला दोगे तो तुम्हें ले जाएंगे। बाबूजी यानी पिताजी, पिताजी को नहीं ले जाएंगे क्योंकि पिताजी हमें रेलगाड़ी नहीं ला के देते हैं, हमें रेलगाड़ी नहीं ला के देते हैं, ताऊ जी तुम ला दोगे तो मैं तुम्हें ले जाएंगे, हाँ हम तुम्हें ले जाएंगे। बाबू, बाबू बाबू कौन है, रामजी दास कहता है, और किसे ले जाएगा। बालक दम्बर सोचने लगा, थोड़ा सांस लेकर के सोचने लगा, बच ओल किसी को नहीं ले जाएंगे, बच ओल किसी को भी नहीं ले जाएंगे, यानी और किसी को भी नहीं ले जाएंगे। पास ही बाबू रामजी दास की अर्धांगिनी बैठी थी, कौन, रामेश्वरी, तो पास ही रामजी दास की अर्धांगिनी पत्नी बैठी थी, बाबू साहब ने उसकी ओर से इशारा करते हुए कहा, और अपनी ताई को नहीं ले जाएगा, मनोहर से पूछ रहे उस बच्चे से, 5 वर्ष के बच्चे से, कि और ताई को नहीं ले जाएगा। बालक कुछ देर तक ताई की ओर देखता रहा, ताई जी उस समय कुछ चिड़ी हुई सी बैठी थी, ताई जी है वो उस समय कुछ चिड़ी हुई सी बैठी थी, गुस्से में थी। बालक को उनके मुख के यह भाव अच्छे नहीं लगे, बच्चा समझता है सब, तो बालक ने उसको उसकी तरफ देखा, ताई की तरफ देखा, तो उसको उसके मुख के भाव अच्छे नहीं लगे, अतएव बोला ताई को नहीं ले जाएंगे, कि ताई को नहीं ले जाएंगे। ताई जी सुपारी काटती हुई बोली, सुपारी काटती हुई बोली, अपने ताऊ जी को ही ले जा, मेरे ऊपर दया रख, मुझे मत ले जा, ताऊ जी को ही ले जा। ताई ने ये बात बड़ी रुखाई के साथ की, बच्चे के साथ बड़ी रुखी स्वर में बोली, रुखाई के साथ कही। बालक ताई के शुष्क व्यवहार को तुरंत ताड़ गया, यानी पहचान गया, जान गया। बाबू साहब ने पूछा, ताई को क्यों नहीं ले जाएगा बता। बाबू ने फिर प्रश्न किया रामजी दास ने उस मनोहर से, कि ताई को क्यों नहीं ले जाएगा। बालक बोला, ताई हमें प्यार नहीं करती। हाँ बालक, मनोहर क्या बोला वो बालक, कि ताई हमें प्यार नहीं करती, प्रेम नहीं करती, स्नेह नहीं करती। बाबू, जो प्यार करे तो ले जाएगा, कि अगर वो प्यार करे तो ले जाएगा। बालक को इसमें संदेह था, क्योंकि वह ताई के स्वभाव को जानता था, तो बालक को इसमें संदेह था, ताई का भाव देखकर उसे आशा नहीं थी कि वह प्यार करेगी, इसलिए बालक मौन रहा। इससे बालक क्या रहा, मौन, चुप रहा, कुछ कोई जवाब नहीं दिया इस प्रश्न का। बाबू साहब ने फिर पूछा, क्यों रे बोलता नहीं, ताई प्यार करे तो रेल पर बिठा कर ले जाएगा। बाबू साहब ने फिर प्रश्न पूछा, कि क्यों रे बोलता नहीं तू, ताई प्यार करे तो तू रेल पर बिठा करके ले जाएगा। बालक ने ताऊ को प्रसन्न करने के लिए केवल सिर हिला करके स्वीकार कर लिया, ऐसे सिर हिला करके कर लिया, हाँ स्वीकार कर लिया, परंतु मुख से कुछ भी नहीं बोला। देखिए आगे कहानी प्रश्न क्या, 49 पर देखिए। बाबू साहब उसे अपनी अर्धांगिनी के पास ले जाकर उनसे बोले, बाबू साहब यानी रामजी दास ने उसको गोद में उठा करके अपनी अर्धांगिनी रामेश्वरी के पास में ले जाकर उसे बोले, लो इसे प्यार कर लो, ये तुम्हें भी ले जाएगा। वो थोड़ा अपनी पत्नी से ऐसे व्यंग्य करते हुए व्यंग्य स्वर में बोला, कौन, रामजी दास। परंतु बच्चे की ताई श्रीमती रामेश्वरी को पति की ये चूहलबाजी अच्छी नहीं लगी। वो पति रामेश्वर, जो उसकी पत्नी रामेश्वरी को अपने पति की ये चूहलबाजी, ये हंसी मजाक, हंसी टिटोली अच्छी नहीं लगी। वह तुनक करके बोली, उससे में बोली, तुम ही रेल पर बैठ कर जाओ, मुझे नहीं जाना है, तुम ही जाओ रेल में बैठ करके, मुझे नहीं जाना है। बाबू साहब ने रामेश्वरी की बात पर ध्यान नहीं दिया, बच्चे को उनकी गोद में बिठाने की चेष्टा करते हुए बोले, बच्चे को उसकी गोद में बिठाने, किसकी गोद में, रामेश्वरी की गोद में बिठाने की कोशिश चेष्टा करते हुए बोले, प्यार नहीं करोगी तो रेल में नहीं बैठाएगा, क्यों रे मनोहर, या नाम आया मनोहर, तो क्यों रे मनोहर, प्यार नहीं करोगी तो रेल में नहीं बिठाएगा। मनोहर ने ताऊ की इस बात का उत्तर नहीं दिया। उधर ताई ने मनोहर को धकेल दिया, मनोहर को गुस्से में ताई ने जैसे उसको बिठाने की कोशिश की गोद में, तो उस ताई ने उस मनोहर को धक्का दे दिया, धकेल दिया, मनोहर नीचे पड़ा, गया गिर पड़ा, लेकिन शरीर पर चोट तो नहीं लगी, मन में लगी।
क्या सुंदर बात कही है कि शरीर पर तो चोट नहीं लगी, मन में लगी। बालक रो पड़ा, रोने लगा। बाबू साहब ने बालक को गोद में उठा लिया, चुमकार पुचकार करके चुप किया। अरे बेटा, राजा बेटा ऐसे थोड़ी रोते हैं, ऐसे करके पुचकार करके उसको चुप किया और उसे कुछ पैसे तथा रेलगाड़ी देने का वचन दे करके छोड़ दिया। कुछ पैसे दे दिए कि जा टॉफी ले आना, ऐसे कुछ खाने के लिए चीज़ ले आना और तुम्हें रेलगाड़ी ला के दूंगा, ये वचन दे करके छोड़ दिया। बालक मनोर भावपूर्ण दृष्टि से अपनी ताई की ओर ताकता हुआ उस स्थान से चला गया। भावपूर्ण के देखो ताई ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया, बच्चा मन ही मन सोच रहा है, और वह ताकता हुआ उस स्थान से चला गया। मनोहर के चले जाने पर बाबू रामजी दास रामेश्वरी से बोले, तुम्हारा ये कैसा व्यवहार है, बच्चे को ढकेल दिया, जो उसे चोट लग जाती तो। रामेश्वरी को ऐसे डांटते हुए बोले कौन, रामजी दास, कि तुम्हारा ये कैसा व्यवहार है, कैसा व्यवहार करती हो, बच्चे को ढकेल दिया, अगर चोट लग जाती तो। रामेश्वरी मुँह लटका कर बोली, लग जाती तो अच्छा होता, क्यों मेरी खोपड़ी पर लादे देते हो। अरे लग जाती तो अच्छा होता, मेरी खोपड़ी पर क्यों लादे देते हो, बच्चे को आप ही तो मेरे ऊपर डालते थे और अब आप ही ऐसी बातें करते हैं। तो इस प्रकार से वह मुंह लटका कर कैसे बोले, लग जाती तो अच्छा होता, क्यों मेरी खोपड़ी पर लादे जाते थे, आप ही तो उसे मेरे ऊपर डालते थे और अब आप ही ऐसी बातें करते हैं। बाबू साहब चिढ़ करके बोले, इसी को खोपड़ी पर लादना कहते हैं, ऐसे बच्चों को गोद में लेना खोपड़ी पर लादना होता है, थोड़ा गुस्से में बोले वो। रामेश्वरी कहता, और नहीं किसे कहते हैं, तुम्हें तो अपने आगे और किसी का दुख सुख सूझता ही नहीं है, न जाने कब किसका जी कैसा होता है, तुम्हें पता है मेरा कैसा जी है कैसा नहीं है, हैं, न जाने कब किसका जी कैसा होता है, तुम्हें इन बातों से कुछ भी परवाह नहीं, अपनी चुगल से काम, बस हंसी मजाक करते रहते हो दिन भर, ये क्या है। बाबू यानी रामजी दास कहते हैं, बच्चों की प्यारी प्यारी बातें सुनकर जो चाहे जैसा जी हो प्रसन्न हो जाता है। अरे तू तो बच्चे को जानती नहीं कि बच्चे की तो प्यारी प्यारी बातें सुनकर के चाहे जैसा भी मन जी हो, जैसा भी किसी का मन हो, प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है, बच्चे होते ही इतने प्यारे हैं। मगर तुम्हारा हृदय न जाने किस धातु का बना हुआ, कितनी कठोर हो, तुम्हारा हृदय तो पता नहीं किस धातु का बना हुआ है। रामेश्वरी, तुम्हारा हो जाता होगा और होने को होता भी है, मगर वैसा बच्चा भी तो हो, पराये धन से भी कहीं घर भरता है। अब यहाँ पर वो निसंतानता की बात आ रही है, यहाँ वो दुख आ रहा है। रामेश्वरी कहती है कि तुम्हारा हो जाता होगा और होने का होता भी है, मगर वैसा बच्चा भी तो हो, अपना बच्चा होना चाहिए, पराये धन से कहीं घर भरता है। बाबू साहब कुछ देर चुप कर रह करके बोले, यदि अपना सगा भतीजा भी पराया धन कहा जाता है, जा सकता है, तो फिर मैं नहीं समझता कि अपना धन किसे कहेंगे, कि ये तो अपना भतीजा है, मनोहर तो अपना भतीजा है, और यदि अपना सगा भतीजा भी इस पराया धन कहा जा सकता है, तो फिर मैं नहीं समझता कि अपना धन किसे कहते हैं। रामेश्वरी कुछ उत्तेजित होकर के बोली, बातें बनाना बहुत आता है, तुम्हारा भतीजा है, तुम चाहो चाहे जो समझो, पर मुझे ये बातें अच्छी नहीं लगती, हमारे भाग फूट गए हैं, नहीं तो ये दिन काहे को देखने पड़ते, तुम्हारा चलन तो दुनिया से निराला है, आदमी संतान के लिए क्या क्या करते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, व्रत करते रखते हैं, पर तुम्हें इन बातों से क्या काम, रात दिन भाई भतीजों में मगन रहते हो, कोई काम नहीं। अरे तुम्हें पता है कि संतान जो खुद की होती है, वो आदमी संतान के लिए क्या क्या नहीं करता, पूजा पाठ करता है, व्रत करता है, तुम तो कुछ नहीं करते, तुम्हें इन बातों से कोई लेना देना नहीं, रात दिन भाई भतीजों में मग्न रहते हो। बाबू साहब के मुख पर घृणा का भाव झलक आया, उन्होंने कहा, पूजा पाठ सब ढकोसला है, सब ढोंग है, ढकोसला है, जो वस्तु भाग्य में नहीं वह पूजा पाठ से कभी भी प्राप्त नहीं होती, जो वस्तु भाग्य में नहीं है वह पूजा पाठ में कभी प्राप्त नहीं हो सकती, मेरा यह अटल विश्वास है, मैं ये मानता हूँ, जो भाग्य में नहीं वह पूजा पाठ करने से कोई नहीं मिलता, और मेरा ये अटल विश्वास है। श्रीमती जी पृष्ठ संख्या 50 पर आ गए हूँ प्यारे विद्यार्थियों। श्रीमती जी कुछ रुआ से स्वर से बोली, यानी रोने के से स्वर में,
और इसी विश्वास ने तो सब चौपट कर रखा है। ऐसे ही विश्वास पर सब बैठ जाएं तो काम कैसे चलें, सब विश्वास पर ही बैठे रहें तो आदमी काहे को किसी बात के लिए चेष्टा करे कि फिर विश्वास अगर नहीं करेंगे। इसी विश्वास ने तो सब चौपट कर रखा है कि पूजा पाठ से कुछ नहीं होता। मैं मानती हूँ पूजा पाठ से सब कुछ होता है। इस विश्वास ने तो सब कुछ चौपट कर रखा है। ऐसे ही विश्वास पर सब बैठ जाएं तो काम कैसे चले, सब विश्वास पर ही बैठे रहे तो आदमी काहे को किसी बात की चेष्टा करेगा। बाबू साहब ने सोचा कि मूर्ख स्त्री के मुँह लगना ठीक नहीं है। बाबू रामजीदास ने सोचा कि इस मूर्ख स्त्री के मुँह लगना ठीक नहीं है, अतएव वह स्त्री की बात को कुछ उत्तर न देकर वहाँ से टल गए यानी चले गए। अब ये दृश्य, एक दृश्य यहाँ पर समाप्त हुआ है प्यारे विद्यार्थियों। पृष्ठ संख्या 50 से दूसरा दृश्य प्रारंभ हो रहा है। बाबू रामजीदास धनी आदमी है। अब देखो यहाँ पर परिचय दिया जा रहा है एक तरह से, यहाँ का जो प्रमुख पात्र रामजीदास उसका। बाबू रामजीदास धनी आदमी है, बहुत पैसे वाले हैं, कपड़े की आढ़त का काम करते हैं, लेन देन भी करते हैं, कपड़े का लेन देन भी करते हैं। इनके एक छोटा भाई है, उनका नाम कृष्णदास है। दोनों भाइयों का परिवार एक ही है, साथ में रहते हैं, संयुक्त परिवार है। बाबू रामजीदास की आयु 35 वर्ष है लगभग, और छोटे भाई कृष्णदास की आयु 21 वर्ष है। रामजीदास निसंतान है, उनके कोई बाल बच्चे नहीं हैं। कृष्णदास के दो संतानें हैं, इनके भाई रामजीदास के भाई कृष्णदास जी के दो संतान हैं। एक पुत्र है, वही पुत्र जिसे पाठक परिचित हो चुके हैं, अर्थात जो मनोहर है वही इसका पुत्र है जो 5 वर्ष का है। और एक कन्या है जिसको चुन्नी कहा है उसने, एक कन्या है, कन्या की आयु 2 वर्ष है। रामजीदास अपने छोटे भाई और उनकी संतान पर बड़ा स्नेह रखते हैं। रामजीदास अपने छोटे भाई पर बड़ा स्नेह रखते हैं, उनकी संतानों पर जो अपने भतीजा है उस पर भी स्नेह रखते हैं। ऐसा स्नेह कि उनके प्रभाव से उन्हें अपनी संतानता कभी खटकती नहीं थी, यानी उनको ऐसा लगता ही नहीं कि मेरे संतान नहीं है। वह दिन भर जो है इन बच्चों में खोए हुए रहते हैं, बच्चों से लाड़ प्यार से बात करते हैं, लेकिन वो ताई नहीं करती। छोटे भाई की संतान को वह अपनी ही संतान समझते हैं। रामजीदास अपने छोटे भाई की संतान को अपनी संतान समझते हैं। दोनों बच्चे भी रामजीदास से इतने हिले हैं, इतने हिले हुए हैं, इतने जो है उनसे स्नेह रखते हैं कि उन्हें अपने पिता से भी अधिक समझते हैं। कोई भी बात होती है ताऊ जी से मानते हैं, ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा स्नेह वो रखते थे। तो बच्चे पहचान लेते हैं कि कौन कैसा व्यवहार कर रहा है मेरे साथ, और मीठा व्यवहार करते हैं, मधुर व्यवहार करते हैं, तो बच्चे उनके साथ हो जाते हैं, उनके साथ ही रहना पसंद करते हैं। ये बच्चों का जो है मानसिकता होती है। परंतु रामजीदास की पत्नी रामेश्वरी को अपनी संतानहीनता का बड़ा दुख है। रामेश्वरी को बहुत दुख है कि मैं, मेरी संतान नहीं है, मेरी खुद की संतान नहीं है। वह रात दिन संतान की ही सोच में गुला रहती है, बहुत ज़्यादा संतान मन में सोचती है, मेरे बच्चा होता, मेरे खुद का होता तो कितना अच्छा रहता। छोटे भाई की संतान पर पति का प्रेम उनकी आंखों में कांटे की तरह खटकता था। वो छोटे भाई के इन बेटों बेटी पर अपने पति द्वारा जो प्रेम करने पर बहुत ज़्यादा उसको आंखों में कांटे की तरह खटकता था, बहुत बुरा लगता था। परंतु रामजीदास की पत्नी रामेश्वरी को रात को भोजन इत्यादि से निर्वृत्त होकर के रामजीदास सैया पर लेटे हुए शीतल और मंद वायु का आनंद ले रहे थे। रात का दृश्य है, रात को भोजन इत्यादि से निर्वृत्त होकर के खाना खा करके रामजीदास जी सैया पर बैठे थे, यानी बिस्तर पर लेटे हुए थे, शीतल और मंद वायु का आनंद दे रहे थे। पास ही दूसरी सैया पर रामेश्वरी हथेली पर सिर रखे किसी चिंता में डूबी हुई थी, क्योंकि उसको वो निसंतानता दुखी कर रही थी। दूसरी सैया पर रामेश्वरी हथेली पर सिर रखे किसी चिंता में डूबी हुई थी। दोनों बच्चे अभी बाबू साहब के पास से उठकर अपनी माँ के पास गए थे। इतनी देर तक वह बाबू साहब के पास यानी अपने ताऊ जी के पास बैठे हुए थे, अब वो चले गए हैं अपनी माँ के पास। बाबू साहब ने अपनी स्त्री की ओर करवट लेकर के कहा, आज तुमने मनोहर को इस तरह से ढकेला था, मुझे अब तक उसका दुख है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या, किसको कह रहे हैं? अपनी पत्नी रामेश्वरी से कह रहे हैं रामजीदास कि आज तुमने मनोहर को इस बुरी तरह से ढकेला था कि मुझे अब तक उसका दुख है। कभी कभी तो तुम्हारा व्यवहार बिल्कुल ही अमानुषिक हो जाता है, पशुवत हो जाता है, अमानुषिक, जो मनुष्य का नहीं होता है, सब भयंकर है तुम्हारा व्यवहार हो जाता है। रामेश्वरी बोली, तुम ही ने ऐसा बना रखा है,
उस दिन उस पंडित ने कहा था कि हम दोनों के जन्म पत्र में संतान का योग है, तुम ही ने ऐसा बना रखा है। उस दिन पंडित ने कहा भी था कि तुम्हारे जन्म कुंडली में जन्म पत्र में संतान का योग है और उपाय करने से संतान हो भी सकती है। उसने उपाय भी बताए थे पर तुमने उनमें से एक भी उपाय करके नहीं देखा। बस तुम्हें तो इन्हीं दोनों में मगन हो, बस इन्हीं को अपना बच्चे मानते हो। तुम्हारी इस बात से रात दिन मेरा कलेजा सुलगता है, मुझे बहुत पीड़ा होती है, मुझे बहुत कष्ट होता है। आदमी उपाय तो करके देखता है, फिर होना न होना तो भगवान के अधीन है। कम से कम उपाय तो करते पंडित जी ने जो बताए थे, बाकी तो होना न होना भगवान के अधीन है। ये कौन कहती है? रामेश्वरी। किससे? रामजी दास अपने पति से। बाबू साहब हंस करके बोले, तुम्हारी जैसी सीधी स्त्री भी यानी भगवान को मान रही है, तुम्हारी जैसी सीधी स्त्री भी क्या कहूँ, तुम इन ज्योतिषियों की बातों पर विश्वास करती हो जो दुनिया भर के झूठे और धूर्त है। ये ज्योतिषी भी दुनिया भर के झूठे हैं, धूर्त है, कपटी है। ये झूठ बोलने के ही रोटियां खाते हैं, ये झूठ बोलते रहते हैं, लोगों को डराते रहते हैं और झूठ बोल बोल करके अपनी रोटियां सेकती हैं, रोटियां खाती हैं। रामेश्वरी तुनक करके बोली, तुम्हें तो सारा संसार झूठा ही दिखाई पड़ता है, ये पोथी पुराण भी सब झूठे हैं। पंडित कुछ अपनी तरफ से बनाकर तो नहीं कहते, ये पोथी पुराण झूठी है क्या? वे तो उनसे बोलते हैं, उनको देख करके शास्त्र में जो लिखा है वहीं वे भी कहते हैं। शास्त्र झूठा है तो वे भी झूठे हैं। अंग्रेजी क्या पढ़ी, अपने आगे किसी को गिनते भी नहीं हो, जो बातें बाप दादों के ज़माने से चली आई है उन्हें भी झूठा बताते हो। रामेश्वरी जो है पुराने विचारधारों की है और वह कहती है कि तुम्हें तो सारा संसार झूठा ही दिखाई देता है। वो कहता है ना कि ज्योतिष झूठा है, तो वो कहता है तुम्हारा संसार सारा झूठा ही दिखाई देता है, वे पोथी पुराण भी झूठे हैं, क्योंकि पंडित लोग पोथी पुराणों से तो शास्त्रों से ही तो बात कहते हैं और शास्त्र झूठा है तो वे भी झूठे हैं। अंग्रेजी क्या पढ़ ली आपने, किसी को गिनते ही नहीं, जो बातें बाप दादों के ज़माने से आई है चली आई है उन्हें भी तुम झूठा कहते हो। बाबू साहब कहते हैं, तुम समझती तो नहीं, अपनी ही ओटे जाती हो, बस अपनी बातें कहती रहती हो। मैं ये नहीं कहता कि ज्योतिष शास्त्र झूठा है, संभव है वह सच्चा हो, परंतु ज्योतिषियों में अधिकांश झूठे होते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ज्योतिषियों में अधिकांश झूठे हैं, उन्हें ज्योतिष का पूर्ण ज्ञान तो होता नहीं है। दो एक छोटी मोटी पुस्तकें पढ़ करके ज्योतिषी बन बैठते हैं और लोगों को ठगते फिरते हैं। ऐसी दशा में उन पर कैसे विश्वास किया जा सकता है? ये ज्योतिषी तो दो चार किताबें पढ़ लेते हैं और ज्योतिषी बन जाते हैं, लोगों को ठगते रहते हैं, ऐसे उन पर विश्वास कैसे कर सकता हूँ? रामेश्वरी कहती है, सब झूठे ही हैं, तुम्हें एक सच्चे हो, बस केवल एक सच्चे हो। अच्छा एक बात पूछती हूँ, भला तुम्हारे जी में संतान की इच्छा हुई है क्या कभी? तुम्हें नहीं लगता क्या हमारे घर में संतान हो? संतान की इच्छा क्या कभी नहीं होती? इस बार रामेश्वरी ने बाबू साहब के हृदय के कोमल स्थान को पकड़ा, अब की बार ऐसा प्रश्न किया जिससे बाबू साहब आहत हो गए। रामेश्वरी ने बाबू साहब के हृदय का कोमल स्थान पकड़ा, वह कुछ देर चुप रहे, तत्पश्चात एक लंबी सांस लेकर के बोले, भला ऐसा कौन मनुष्य होगा जिसके हृदय में संतान का मुख देखने की इच्छा न हो? परंतु किया क्या जाए, जब नहीं है और न होने की आशा है तब उसके लिए व्यर्थ चिंता करने से क्या लाभ है? इसके सिवा जो बात अपनी संतान से होती है वही भाई की संतान से हो रही है। अपनी तो संतान है ही, ठीक है भाई की है तो क्या वो अपनी है? जितना स्नेह अपने पर होता है उतना ही इन पर भी है। जो आनंद इनकी बाल क्रीड़ा में आता है वहीं इनकी क्रीड़ा से भी आ रहा है। फिर मैं नहीं समझता कि चिंता क्यों की जाए, अपने तो बालक है ही, भाई के है तो क्या है, तो अपने ही भाई, अपने ही बेटे, हम तो अपने बच्चे की तरह उनको मानते हैं। रामेश्वरी कुछ कुड़ करके बोली, अब की बात तुम्हारी समझ को मैं क्या कहूँ, इसी से तो रात दिन जला करती हूँ। भला ये तो बताओ कि हमारे पीछे क्या इन्हीं से तुम्हारा नाम चलेगा? अरे तुम्हारी संतान होगी तो तभी तो तुम्हारा नाम चलेगा, क्या तुम्हारी अब ये इनसे भतीजों से इनसे तुम्हारा नाम थोड़ी चलेगा? ये बात कही। बाबू साहब हंस करके बोले, अरे तुम भी कहाँ की पोच बातें लाई हो, पुरानी बातें लाई हो। नाम संतान से नहीं चलता, नाम अपनी सुकृति से चलता है, अपनी अच्छे कार्यों से चलता है। तुलसीदास जी को देश का बच्चा बच्चा जानता है, सूरदास को मरे कितने दिन हो चुके हैं, इसी प्रकार कितने ही महात्मा हो गए हैं, उन सब का नाम क्या उनकी संतान के बदौलत चल रहा है? यानी उनके तो संतान थी नहीं, फिर भी
वो अमर हैं या इतनी उनको सब लोग जानते हैं, क्या उनके संतान की बदौलत चल रहा है? सच पूछो तो संतान से जितनी नाम चलने की आशा रहती है उतनी नाम डूबने की संभावना भी रहती है। संतान अच्छी हो तो भले ही नाम चले, लेकिन संतान अगर बुरी निकल जाए तो फिर नाम डूब भी जाता है। परंतु सुकृति एक ऐसी वस्तु है, अच्छी कृति, अच्छा कार्य, अच्छा कर्म, ऐसी वस्तु है पुण्य कार्य कि जिससे नाम बढ़ने के सिवा घटने की आशंका रहती ही नहीं है। हमारे शहर में राय गिरधारी लाल कितने नामी आदमी थे, उनके संतान कहाँ है? उनकी धर्मशाला अनाथालय से उनका नाम अब तक चला आ रहा है, उस सेठ गिरधारी लाल के, तो उनके धर्मशाला अनाथालय से उनका नाम अब तक चला आ रहा है और अभी न जाने कितने दिन तक चलता जाएगा। जब तक धर्मशाला रहेगी तब तक उनका नाम चलेगा। रामेश्वरी कहती है, शास्त्र में लिखा है जिसके पुत्र नहीं होता उसकी मुक्ति नहीं होती। रामेश्वरी कहती है अपने पति से कि जिसके पुत्र नहीं होता उसकी मुक्ति नहीं होती। बाबू कहता, मुक्ति पर मुझे विश्वास नहीं, मुक्ति है कि सीढ़िया का नाम। यदि मुक्ति होना मान लिया जाए तो ये कैसे माना जा सकता है कि सब पुत्रवानों की मुक्ति हो जाती है? मुक्ति का भी क्या सहज उपाय है? ये जितने पुत्र वाले हैं सभी की तो मुक्ति हो जाती होगी, तो फिर तो सभी की मुक्ति हो जाती होगी। रामेश्वरी निरुत्तर होकर के बोली, अब तुम में से कौन अपवाद करे, अब तुमसे कौन अपवाद करे, तुम तो अपने सामने किसी को मानते ही नहीं हो, अब तुम्हारे से क्या सवाल जवाब करे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 51 पृष्ठ तक हम पढ़ेंगे, अगला दृश्य तीसरा हम आरंभ होगा 52 पृष्ठ से। तो आशा करता हूँ यहाँ तक जो पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे ताई कहानी के आगे के गद्यांशों को लेकर के, आगे के पाठ को लेकर के, यानी जो शेष बचा है भाग उसको लेकर के। तब तक के लिए यहाँ तक जो भी पढ़ाया, ताई कहानी का जो मूल केंद्रीय भाव था वो आप ठीक प्रकार से पुनः समझेंगे, और यहाँ तक जो भी पढ़ाया कहानी का वो सब आप ठीक प्रकार समझेंगे, पढ़ेंगे। और ये जो ताई कहानी में जो ताई का जो पात्र है वो रामेश्वरी का, ये प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में आता है। तो ये रामेश्वरी का चरित्र चित्रण है इस कहानी में पूछा जाता है, तो इसको ठीक प्रकार से समझेंगे। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी, धन्यवाद विद्यार्थियों।